और मेरा नबी कह रहा है काश मेरे माँ बाप जिंदा होते और नहीं तो मेरी माँ जिंदा होती तो तुम देखते मैं क्या करता, मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे होता और मैं सूरत फातिहा पढ़ रहा होता और उधर से मेरे घर से मेरी माँ मुझे कहती मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। सुभान, मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। और मेरे नबी से पूछा गया या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? ये बच्चियाँ गौर से सुने, सारे सुनो पर ये ख़ास तौर से सुने। आपने कहा अल्लाह को पता है, कि या रसूलल्लाह कोई निशानी बता दें, तो आपने कहा जब बेटियाँ भी माओं को जलील करेंगी तो क़यामत आएगी, जब बेटियां भी माओं को जलील करेंगी तो क़यामत। अंतली दल अमतु रब्बतहा, जब माँ के साथ बेटियां नौकर जैसा सलूक करेंगी, नौकरानी जैसा सलूक करेंगी तो क़यामत के नकारे पे चोट पड़ के रहेगी। ये नहीं कहा जब कुफर फैल जाए और जब इस्लाम मिट जाएगा, उस हालांकि क़यामत उस वक्त आएगी जब दुनिया में एक मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। ये वाकया की संगीनी को बताने के लिए फरमाया जब माओं को जलील किया जाएगा क्या मत आ जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया उमर तेरे दौर में एक शख्स आएगा उवैस, उसका कबीला होगा मुराद, आगे सब कास्ट होगी कर्म, उवैस बिन आमिर, उसे दुआ करवाना, वो काले रंग का होगा, छोटे कद का होगा, और उससे दुआ करवाना, दुआ तू भी करवाना, अली तू भी करवाना, अली और उमर उवैस उनके लिए दुआ करें। उन्होंने पूछा क्यों? कहा उसने माँ की खिदमत करके अल्लाह को इतना राजी कर दिया है, जब वो हाथ उठाता है अल्लाह खाली नहीं लौटाता। अल्लाह की कसम उमर और अली को उवैस की दुआ की जरूरत नहीं थी, उम्मत को पैगाम देना था कि माएँ जलील हो रही हैं आज और बाप जवान औलाद से छुपते फिर रहे हैं, तो मेरे रब मेरे नबी ने ये आगे पैगाम देना था कि नबी होकर रसूल होकर कह रहे हैं काश माँ होती तो मैं उसके लिए नमाज तोड़ देता। आपको आठ औरतों ने दूध पिलाया वालदा समेत, उनमें एक उम्मे ऐमन भी हैं आपके वालिद की बांदी, तो घर में तशरीफ फरमाते उम्मे ऐमन बैठी थी हजरत आयशा, तो उम्मे ऐमन कहने लगी या रसूलल्लाह पानी तो पिला दे, तो अल्लाह का नबी एकदम उठे तो हजरत आयशा नाराज हो गई, उम्मे ऐमन अल्लाह का रसूल को कहती पानी पिला, तो और क्यों ना कहूँ मेरा बेटा है मैंने दूध पिलाया, तो हजरत मेरे नबी ने कहा हाँ हाँ आयशा ये मेरी माँ है इसका मैंने दूध पिया है। आप उठे घड़े में से पानी भर के यूं दोनों हाथों से हजरत उम्मे अमन को पेश किया जो हबशी बांधी थी, क्योंकि दूध पिया है तो माँ का लफ्ज़ सादिक आ गया, तो बजाय इसके कि बुरा मनाते आप खादिम बन के अपने अपनी माँ को दूध पिलाने वाली माँ को आपने हजरत हलीमा सादिया तशरीफ लाई, आपने अपनी चादर बिछा कर उसके ऊपर बिठाया। हजरत उमर का दौर खिलाफत आया, वो हर साल हज करते थे, अब भाई कोई उवैस है वो मिलता ही कोई नहीं था, तीन चार साल गुजर गए तो कहने लगे सारे हाजी इकट्ठे हो जाओ भाई, सारे हाजी इकट्ठे हो गए, आपने कहा सब खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो गए, फिर आपने कहा यमन वाले खड़े रहो बाकी बैठ जाओ, तो चंद हजार खड़े रहे बाकी बैठ गए, फिर आपने कहा मुराद वाले खड़े रहो बाकी बैठ जाओ, तो पंद्रह बीस आदमी उसमें से निकले, फिर आपने कहा मुराद की जो आगे सब कास्ट है कर्न वाले खड़े रहो बाकी बैठ जाओ, तो सिर्फ एक आदमी बचा, तो आपने उससे पूछा तुम करनी हो कजी, अवैस को जानते हो कजी मेरे भाई का बेटा है, तो वो तो थोड़ा सा ऐसी है दीवाना सा, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो हजरत उमर रोने लगे कहा वो नहीं तू दीवाना है, किधर है? कहा जी अरफात गया है ऊंट चराने, तो हजरत उमर ने अली को साथ लिया और दौड़ लगा दी अरफात की, वहां गए तो हजरत अवैस एक झाड़ी के नीचे नमाज पढ़ रहे थे, ये दोनों हजरत आके बैठ गए, उन्होंने महसूस किया दो बंदे आ गए, नमाज मुख्तसर कर दी। हजरत उमर ने पूछा कौन हो मेरे भाई? कहा जी मजदूर हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? कहा जी अल्लाह का बंदा। कहा अरे भाई वो तो सभी अल्लाह के बंदे, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? कहा तुम क्यों पूछ रहे हो? उन्हें तो पता ही नहीं था कि उमर वली, क्यों भाई तुम कौन हो इंटरव्यू करने वाले?
तो मौला अली ने कहा, ये हैं उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। फिर वो हिल गए, कहने लगे मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं पहली दफ़ा आया हूँ, मुझे तो पता ही कोई नहीं। तो हज़रत उमर ने फरमाया, तुम उवैस बिन आमिर हो कच, अच्छा हाथ उठाओ हमारे लिए दुआ करो। वो कहने लगे, आप क्या कह रहे हैं, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं आपके लिए दुआ करूँगा, मैं, मेरी क्या औकात है। कहा हाँ हाँ, हमें हमारे नबी ने फरमाया था, उमर, अली, अली जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा, इसके बाद किसी की दुआ की जरूरत है। उमर, मैंने जन्नत में महल देखा, मैंने पूछा किसका है, मुझे कहा गया कुरैशी का है, मैं समझा मेरा है, जाने लगा तो कहा गया उमर बिन खत्ताब का है, इनको उवैस की दुआ की जरूरत है। मैदान आरफात में 1,25,000 सहाबा के साथ आप ऊँट पर तशरीफ़ फरमाए, ऊँटनी पर, तो आपने फरमाया इस वक्त मेरा अल्लाह मेरे सहाबा पे फ़ख्र कर रहा है और उमर पे ख़ास तौर पे फ़ख्र फरमा रहा है। हमें पैगाम देना था, आने वाले ज़मानों में ये होना था। सुभान अल्लाह, इमाम अबू हनीफा का नाम तो सबको मालूम है ना। एक और आलिम बताता हूँ, अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला, इनमें इल्मी खटपट थी बहुत ज़्यादा, आपस में बनती नहीं थी। तो अबू हनीफा जैसी हस्ती जिनके करोड़ों फॉलोअर आज हैं, उनकी माँ कहती, नोमान ये मसला है, जाके अब्दुर्रहमान से पूछ के आ। जिंदगी में एक दफ़ा नहीं कहा, माँ जी मैं स्कूल वड्डा आलिम है, मेरे को पूछ लो। कहा अच्छा माँ जी, अपनी चादर उठाते और पहुँच जाते दरवाजे पर, दस्तक दे के, भाई मुझे मेरी अम्मा ने भेजा है, आप इसमें फतवा, हालांकि उनकी अपनी राय उसके खिलाफ होती थी, लेकिन माँ के एहतराम में जाकर उनसे मसला पूछते जिनसे रोज़ाना मुनाजरा होता था, रोज़ाना खटपट होती थी, इल्मी, माँ ने कह दिया, जाकर उनसे पूछ के आते थे। अपनी इतनी बड़ी इल्मी कदर मंजिलत को एक तरफ रख देते थे, नहीं मेरी माँ ने मुझे कहा। तो आप सब नौजवान हो, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी दुआ लो, आह ना लो, दुआ लो। मुझे याद आया मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह का एक दफ़ा मुझे ख़त आया कि जब पैसे ख़त्म होते हैं उसी वक्त ही तुम्हारा ख़त आता है कि पैसे भेज दो, कभी आगे पीछे भी बता दिया करो, जिंदा है कि मुर्दा है, तो ताल्लुक ही नहीं था। तो पैसे तक था, अभी पैसे गल दो पैसे, अब तो ख़त की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पे हो जाता है, उस वक्त ये ख़त होते थे। तो मेरे वालिद ने गिले का ख़त लिखा, मुझे अफसोस होना चाहिए था, मेरे ऊपर जूं भी नहीं रही, हमने वालदैन की अजमत को पढ़ा ही नहीं है, वो तो दर मुस्तफ़ा से ये चीज़ मिलती है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के दर से ये सबक हमें मिल रहा है।